जैसे कि दोस्तों एक वर्डप्रेस यूजर ने पूछा है, जैसे कि अगर हमें इंटरनल लिंक बनाना हो विद थंबनेल के साथ, अगर एक्सटर्नल लिंक बनाना हो थंबनेल के साथ कैसे बना सकते हैं, हमने कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा फंक्शन यूज किया है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पोस्ट है, हमने यहाँ पर इंटरनल लिंक बनाया, कोई भी इस थंबनेल पर क्लिक करेगा पोस्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप भी अपनी साइट के अंदर विद थंबनेल इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। तो क्या है तरीका, किस तरह हमने बनाया है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों आपको किस किस पोस्ट की इंटरनल लिंक बनाना है विद थंबनेल वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स ये ले लेता हूँ। यहाँ पर बन जाए पहला इंटरनल लिंक बनाइए, मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती। दूसरा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक 2023 में कहाँ से लाएँ, दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, हम पोस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इस पोस्ट को एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर पोस्ट ओपन हो चुकी। अब आपको कहाँ बनाने, कौन से एरिया बनाने वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं चाहता हूँ नीचे दोनों लिंक बन जाए। ध्यान रखें दोस्तों, जिस तरह आप वीडियो को एम्बेड करते हैं आप पोस्ट को भी एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेड करेंगे तो विद थंबनेल आएंगे पोस्ट। ठीक है, बहुत से लोग लिंक बनाते हैं, केवल लिंक बना के छोड़ देते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिंक के साथ थंबनेल भी बनाते हैं, है ना, ऐड कर देते हैं। जैसे यूज़र आए उस थंबनेल पर क्लिक करेगा रिडायरेक्ट हो जाएगा पोस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सिंपल सा, प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एम्बेड कोड का एक ऑप्शन होगा, नहीं है तो यहाँ टाइप कर लेते हैं हम एम्बेड। एम्बेड ये है जो आपने यूआरएल कॉपी किया है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे आप और यहाँ पर एम्बेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे विद थंबनेल आ जाएगा इंटरनल लिंक। ठीक है, अब दोस्तों आप चाह रहे किसी और वेबसाइट का होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक उसी को बोल देंगे जो अदर वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट का नो वो भी हम डाल के दिखा देते हैं। तो सिंपल हम जाएंगे और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर खोल लेंगे, यहाँ पर कोई भी पोस्ट ले लेते हैं, पोस्ट ले लेते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस क्या है, इसको कॉपी करेंगे यूआरएल को, ये एक्सटर्नल लिंक बन जाएगा हमारा और नीचे बनाएंगे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे सिंपल सा, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एम्बेड वाला विजिट लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आने लगा, दोनों ही पोस्ट यहाँ पर कर दी हमने एंड आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ब्लॉग को आप रिफ्रेश करेंगे तो हम खोल ही लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश हो जाएगा ओपन करेंगे तो, एंड नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस क्या है ये आने लगा एंड यहाँ पर ये आने लगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा इस वेबसाइट पर, है ना। तो बहुत से लोग लिंक बनाते हैं तो केवल लिंक दिखता है, थंबनेल नहीं दिखता, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो जानते हैं केवल एम्बेड विजिट यूट्यूब वीडियो ऐड करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पोस्ट के साथ थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, है ना। जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे पोस्ट के साथ लिंक बनाना है विद थंबनेल में, तो आप एम्बेड विजिट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बनाया है ना। अगर आपको हटाना है दोस्तों तो आप हटा भी सकते हैं, सिंपल सा फिर से एडिट पर जाएंगे और सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमूव एम्बेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट देंगे केवल प्रैक्टिस बताने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे हम, एंड यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एम्बेड कर देंगे, है ना, रिमूव। ठीक है, एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो आप इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक विद थंबनेल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बनाएं लिंक, है ना। और आपको सिंपल बनाना है तो सिंपल मैंने काफ़ी वीडियो बना दी, वहाँ से आप सीखकर बना सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा वर्डप्रेस की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।